everyone. My name is Purnima Sharma. I'm BPT final year student. Welcome back to my channel Physio AIM. And for those who are new here, very warm welcome on my channel Physio AIM. So, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सी यू सी ई टी यू जी के बारे में. यस, सी यू सी ई टी यू जी जो मैंने पहले वीडियो बनाया था उसका ये सेकेंड पार्ट है. और मतलब फुल्ली डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि सी यू सी ई टी जो एग्जाम है उसके अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं और उनका क्राइटेरिया क्या क्या है. उन्होंने मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे पर्टिकुलर मांगे हैं कि अगर आप इन सब्जेक्ट का टेस्ट दोगे तभी आप हमारे पास अप्लाई कर पाओगे हमारी यूनिवर्सिटी में. देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो आपका सी यू ई टी का एग्जाम है इसमें ना आपके तीन स्लॉट्स होते हैं. सबसे पहले आपका एक लैंग्वेज का आएगा जो आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस देनी है, एज लाइक आपका हिंदी इंग्लिश है ना, जो भी है तो आप इंग्लिश ही भरोगे मुझे पता है. सबसे पहले आपका इंग्लिश आता है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका डोमेन के पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कौन कौन से सब्जेक्ट्स मांग रही है अप्लाई करने के लिए. जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, किसी का मैथ्स होगा, ठीक है, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का इकोनॉमिक्स होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, इस तरीके से, ठीक है. उसके बाद में नेक्स्ट आता है लास्ट आपका जर्नल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है. काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपका जीटी मांग रही हैं, जर्नल टेस्ट मांग रही हैं, उसके बाद ही यूनिवर्सिटी आपको अप्लाई करेगी, बोलेगी हाँ हाँ ठीक है आ जाओ, अब आप यहाँ पे आकर के पढ़ सकते हो, ठीक है. सो चलो, इंग्लिश आप लोगों को पता ही होगा, इंग्लिश का सिलेबस एक और बार मैं आपको बताती हूँ. यूनिवर्सिटी बताने से पहले आप एक बार सिलेबस समझ लो, ठीक है. अगर क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको यूनिवर्सिटी पता चल जाएगी, इंग्लिश जी टी और आपका डोमेन वगैरह आपको पता चल जाएगा कि कहाँ है कहाँ नहीं है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ना फिल करने लगो. एटलीस्ट सिलेबस तो आप लोग पता होना चाहिए ना कि जी टी है तो किस हद तक मतलब आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो यूनिवर्सिटी चूज करो, अदरवाइज ना करो, ठीक है. चलो, सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं. शोर हो रहा है उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वेट करती हूँ कि कब हो, और रात को तो मैं खुद इतना थक जाती हूँ कि मैं खुद ही सो जाती हूँ, है ना. तो शोर का मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना. चलो, इंग्लिश का बता देती हूँ. इंग्लिश में आपका आने वाला है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है. जो पैसेज होते हैं ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो कि अपन करते थे, है ना, 11th 12th में और 9th 10th में, सॉरी 9th 10th 11th 12th में बहुत हम लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन किए. नेक्स्ट है आपका एप्टीट्यूड, ठीक है, और एक है आपका वोकैब. तो आप लोगों को अपनी वोकैब इंप्रूव करनी पड़ेगी, तो वोकैबलरी से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, और किस टाइप का पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके लिए तो आपको पास्ट ईयर के पेपर चेक करने पड़ेंगे, ठीक है. देखो, जो आपका ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है उसका भी आपको सिलेबस पीछे के पेपर से मैच करना पड़ेगा, लेकिन मैं इनका सिलेबस बता दूं, सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटी के बाहर से पेपर नहीं आता है. तो फोकस कीजिएगा कि 11th और 12th की एनसीईआरटी पे ही ज्यादा ध्यान दें, ओके. नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जीके की, है ना. जीके थोड़ा मतलब एक ब्रॉड हो जाता है आपका जीटी, जिसको बोल सकते हैं जर्नल टेस्ट. तो इसमें क्या है, आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे. नेक्स्ट है आपका जर्नल मेंटल एबिलिटी आपको चेक की जाएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी चेक की जाएगी, उसके अंदर क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग भी आएंगी आप लोगों की, उसके बाद में लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है. तो आप समझ लो, लिख लो एक जगह कहीं, है ना. देखो, ये जो मैंने अभी आपको सारा बताया ना, इसको जाकर के कहीं लिख लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको लिख के नहीं दिया है ताकि आप स्क्रीनशॉट रखो, और आपके फोन में कितने हजारों स्क्रीनशॉट होंगे जिनका आपसे मतलब भी नहीं होगा, है ना, बस ऐसे ही पढ़े हैं. तो जाकर के ना एक जगह लिख लो, ताकि जब फॉर्म फिल करो ना तो आपको याद रहे, अरे ये आएगा, ये सब तो मैंने पढ़ा ही नहीं है. या फिर अगर आप फॉर्म फिल कर दो तो आपको पता चले कि अच्छा, मुझे इन इन चीजों पर ध्यान देना है, तो फिर आप उसी वक्त टिक लगाते जाओ कि अरे मैंने ये कर लिया, इतना मैंने कवर कर लिया, तो अंदर से ना कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है. चलो, एक और बार बोल देती हूँ, इंग्लिश में क्या है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एप्टीट्यूड और आपका वोकैब, ठीक है, ये तीन चीजें आएंगी. उसके बाद में जीके की बात करें तो करंट अफेयर, जर्नल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग और लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, ये आता है. बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मैंने आपको बता दिया, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, ठीक है, उसके अलावा बाहर से नहीं आएगा. अब हम लोग बात करते हैं कि पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना. क्वेश्चंस भी पता होना चाहिए कितने क्वेश्चंस आते हैं. तो देखो, ऐसा श्योर नहीं लिखा है, बट है कि हाँ 50 क्वेश्चन आपके आते हैं इंग्लिश में, जिसमें से आपको 40 करने ही होते हैं, ठीक है. तो और ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं, बट जैसा मेरे को वहाँ साइट पर लिखा हुआ मिला था, मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड किया था, जहाँ से मैंने पढ़ा है, यही पढ़ा है कि आपकी 50 क्वेश्चन आते हैं, या फिर अगर आपके 40 क्वेश्चन आएंगे या 60 आएंगे, मतलब थोड़ा सा ही ऊपर नीचे वेरी करेगा, आएंगे इसी के बीच में 40-50-60, से ज्यादा नहीं आते. तो उसमें से मतलब जैसे 40 क्वेश्चन करने होंगे, अगर 50 आते हैं, अगर 60 आते हैं तो 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इस तरीके से, ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग जीके की, कि जीके में कितने क्वेश्चन आते हैं. जीके में आते हैं आपके मिनिमम 60, है ना, वही है 50-60 या फिर 70, उतना ही मतलब रेंज वेरी करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा. जैसे 60 आए तो आपको 50 क्वेश्चन करने ही होंगे, ठीक है. तो इस तरीके से आपका होता है. और जो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है ना, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री
साइकोलॉजी और आपका हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब का उन्होंने नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें फिर बहुत सारा लिखना पड़ जाता है कि इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन, इस तरीके से, तो उन्होंने ये नहीं लिखा है, ठीक है। और अगर मुझे पता चलेगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम डेट कब हो सकती है, यूनिवर्सिटी में बताऊंगी बिल्कुल लास्ट में जाके। आप पहले ना बिल्कुल अपना पूरा यहाँ से ना सेट करके रखो कि ये क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हो तो आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करो, अदरवाइज फिर मत करो, है ना। इसीलिए तो देखो एग्जाम डेट की अगर हम लोग बात करें तो एग्जाम डेट है आपकी 21 to 31 May। कितनी? 21 May से आपका पेपर होना स्टार्ट होगा, 31 May तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई डेट होती है, जैसे अभी बहुत सारे एग्जाम्स नहीं हो रहे थे SSC CGSL के, तो उसमें भी यही रहता है ना कि मतलब एक पर्टिकुलर स्लॉट रहता है, इससे इतने तक आपके एग्जाम्स होते रहेंगे। तो सेम वैसा है ना, क्योंकि ऑल ओवर पूरा मतलब इंडिया कवर कर रखा है, तो पर्टिकुलर स्टेट वाइज ये लोग अलग अलग डेट डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि एग्जाम डेट कितना रहेगा आपका 21 से 31 May तक, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि पेपर होगा कैसे। पेपर होगा आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। पेपर कैसे होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं करेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, मतलब करेक्ट आंसर पे आप लोगों को कितने मार्क्स मिलेंगे। सो करेक्ट आंसर पे आपको मिलेंगे 5 marks। कितने मिलेंगे? 5 marks। और अगर आपका इनकरेक्ट हो जाता है तो -1, ठीक है। करेक्ट है तो +5, और अगर आपका इनकरेक्ट हो जाता है तो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब -1। और कहीं कहीं ऐसा है कि मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है उसके 2 answers सही है ना, तो आपने अगर उन 2 answers सही में से एक सही आंसर भी चूज किया ना, तो भी आपको 5 number मिलेगा, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है, बट लेट्स सी होता क्या है, ठीक है। देखो एक चीज़ और मैं आपको पर्टिकुलर बता देती हूँ, जैसे कि आपने बायोलॉजी के लिए अप्लाई किया है ना, और बायोलॉजी के लिए आपने अप्लाई किया है तो सपोज आपको डेट मिल गई 23 मिल गई है ना, 23 May, तो वहाँ पे आपका क्या है कि आपको स्लॉट चेक करना पड़ेगा, स्लॉट 1, 2, 3 के आपका ना कितने वक्त पेपर है, कौन से स्लॉट में पेपर है, क्योंकि एक दिन में आपके 3 slots कंडक्ट किए जाएंगे, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे फाइनली अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की, ठीक है, कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो देखो यहाँ पे मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी चेक की थी, टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी 43। कितनी थी? 43। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे नॉन सब्सक्राइबर्स है जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। क्या ही जाएगा आप लोगों का, हाँ उस रेड को ग्रे करने में क्या ही जाता है, सिर्फ 1 second जाएगा, है ना, तो उतना नहीं कर सकते हो। मुझे पता है कि मेरे पास आप लोगों के लिए एक डिजिटल बोर्ड नहीं है जिससे कि आप कनेक्ट कर सको, है ना, इंटरेक्ट हो, फिर आप लोगों को मज़ा आए वीडियो और देखने में, बट मेहनत तो मैं करती हूँ ना। आप यहाँ पे देखो मैंने पूरा कॉपी पे लिख रखा है, और उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे पास फ़ोन भी एक है, और मैं उसमें से भी नहीं कैसे मैं फ़ोन में से देख के आप लोगों को बताती जा रही हूँ, ऐसा भी नहीं है। तो थोड़ी सी तो मेहनत के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हो कि आप लोगों के लिए मैं और वीडियोस बनाऊँ, मुझे भी मोटिवेशन मिले, हाँ प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ। सो आपकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी टोटल 43 है। कितनी है? 43। और एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है जो कि आपका PPT कराए, ठीक है, मतलब BPT में CUET से एडमिशन ले। BPT तो कराती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बट CUET से एडमिशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी, तो स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे टोटल है 20। कितनी है? 20 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट उन 20 में से सिर्फ एक स्टेट यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आपका BPT कराती है, जो कि आपकी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलूँगी कि पेन पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ढेर सारी यूनिवर्सिटी और उनका डोमेन क्राइटेरिया बताने वाली हूँ। तो क्या करना है, एक तरफ यूनिवर्सिटी लिखो, एक तरफ उसका डोमेन लिखो, ठीक है, कि पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है इस यूनिवर्सिटी के लिए। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो ये जो टेबल आप बनाओगे ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए, ठीक है, ट्रस्ट मी। और अगर नहीं लिख रहे हो तो फिर इधर कितना ही मतलब स्टोर कर लोगे, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको 3-4 यूनिवर्सिटी मुश्किल से याद रहेंगी, बाकी भूल जाओगे, इसलिए पेन पेपर लेके आओ, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, है ना, ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों का पेपर जो आप मतलब फॉर्म फिल करो वो अच्छे से कर सको, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे है आपकी स्टेट। मैंने अभी स्टेट में बताया था कौन सी आपकी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यही 3 subjects मांगे हैं, आपको इन्हीं 3 subjects का फॉर्म फिल करना है, उसके अलावा आपको इंग्लिश या फिर GT देने की कोई जरूरत नहीं है, जनरल टेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे मैं बात करती हूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी की। हाँ एक चीज और, जो गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है आप उसको CUET से तो फिल करोगे, अगर आपको मतलब उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर के वहाँ पे एक बार फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उन लोगों ने ऐसा बोला है कि CUET के अलावा भी हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आके हमारा फॉर्म फिल करिए, ठीक है, ताकि
कुछ बच्चे क्या होते हैं ना कि मतलब मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो दूसरा देख लेंगे ऐसे, और यूनिवर्सिटी देखना चाहते हैं कितने परसेंट मतलब बच्चे जिन्हें हमारी ही यूनिवर्सिटी में आना है, जिनका मतलब कोर मतलब इच्छा यही है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आए, तो वो अलग से फॉर्म फिल करेंगे उसका, तो वो सिर्फ उन्हीं को प्रायोरिटी देंगे। अगर आपने उनकी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल नहीं किया है और आपने CUET में आपने गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी लिख रखी है, तो फिर आपको नहीं मिलेगी। आप पर्टिकुलर जाके उनकी वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट कौन सी है? डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी टोटल हमारी 12 है, लेकिन इन सारी 12 यूनिवर्सिटी में से सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो कि आपका BPT कंडक्ट कराती है, बाकी नहीं कराती। सो उस एक का नाम है मानव रचना यूनिवर्सिटी, लिख लो ठीक है। क्या नाम है? मानव रचना यूनिवर्सिटी। और इसमें क्या क्या जरूरी है इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए? आपका पास जर्नल टेस्ट, मतलब आपको जर्नल टेस्ट देना होगा, इंग्लिश, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टोटल 5। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3 सब्जेक्ट्स, अगर आप 3 सब्जेक्ट फिल करते हो तो आपकी 750 है। वहीं अगर आप 3 से ज्यादा करोगे तो फीस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और वो फीस आपकी फिर 1500 हो जाएगी अगर आप 3 से ज्यादा अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे टोटल 5 मांगिए। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो ये 5 क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, 5 टेस्ट देने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, तो फीस आपकी 1500 हो जाएगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सो टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है 46। कितनी है? यस 46 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ तीर्थांक महावीर यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्या है? तीर्थांक महावीर यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें मतलब आप लोगों के लिए ज़रूरी है? तो सेम 5 चीज़ ज़रूरी है, आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए, आपकी इंग्लिश होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। टोटल 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी मेवार यूनिवर्सिटी, ठीक है। मेवार यूनिवर्सिटी में आपकी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? आपकी सिर्फ बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी भरोगे तो भी आपका हो जाएगा, मतलब समझ में आ रहा है? 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पर कितनी फीस जा रही थी? 750। यहाँ पर सिर्फ आपको एक सेलेक्ट करना है बायोलॉजी, और उधर की तरफ आप क्या करोगे? मेवार यूनिवर्सिटी, ठीक है। मतलब आप ये स्क्रीनशॉट में यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, आपने कोर्स सेलेक्ट किया BPT, उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे जाता है ना कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट्स भर रहे हैं। तो आपने क्या किया? मेवार यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, उसके बाद में आपने यहाँ पे BPT डाला, और जो उसका सब्जेक्ट क्राइटेरिया होगा बायोलॉजी, आप सिर्फ एक ही करिएगा बायोलॉजी और खत्म, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपकी? निर्वाण यूनिवर्सिटी। निर्वाण यूनिवर्सिटी ये BPT कराती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 चीज़ें लेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब 750 आपकी फीस जानी है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि आपको फालतू में उस मतलब मानव रचना यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई करने की जरूरत ही क्या है, जहाँ पे आपका GT मांगा जाए और आपको अपना मतलब दिमाग की इतनी खपत करनी पड़ जाएगी, है ना, भेजा मारना पड़ेगा GT पढ़ने के लिए आपको, तो उसको मत पढ़िए, है ना। मतलब जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप वही अप्लाई करिए, वही 3 यूनिवर्सिटी लिखेगी, जस्ट एक आपके लिए ऑप्शन है। अदरवाइज अगर आप रैंकिंग की बात करो तो रैंकिंग के अकॉर्डिंग भी आप यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो, ठीक है। चलो जैसे तीर्थांग महावीर यूनिवर्सिटी आजकल मतलब काफ़ी अच्छी है, सुनने में आ रहा है, नाम भी काफ़ी है, और बाकी आप वहाँ पे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करके देख सकते हैं ना कि कैसा है यूनिवर्सिटी, कैसा पढ़ाते हैं, टीचर्स कैसे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी? मंगलायतन यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में है ना मंगलायतन यूनिवर्सिटी। तो इसमें क्या क्या मांगा गया है आपका? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से अगर आप करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी आराम से। नेक्स्ट है आपकी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्या है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। यस, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि पहले LPU का अलग से टेस्ट होता था, बट अभी LPU CUET में आके ऐड हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? सेक्शन 1 में आपका इंग्लिश आएगा, जिन लोगों को LPU ही चाहिए, ठीक है, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें LPU चाहिए, तो उनको फिर इंग्लिश चूज करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो टोटल 4 हो गए, तो मतलब आपकी 1500 फीस जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका IIMT मेरठ, है ना, IIMT। तो IIMT में आपका क्या है? BPT, BPT में आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, खत्म। क्या है आपका? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप ये 3 चीज़ें लेते हैं तो आपका IIMT मेरठ में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एपेक्स यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट कौन सी है? एपेक्स यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपका BPT में देने के लिए सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो है आपका GT। जर्नल टेस्ट अगर आपने दे दिया तो खत्म, आपका हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जर्नल टेस्ट के बेसिस पे ही ये लोग आपको ले लेंगे, एपेक्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी अरुणाचल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्या है? अरुणाचल यूनिवर्सिटी। तो उसमें BPT के लिए सिर्फ 2 चीज़ें जरूरी है, सिर्फ 2 चीज़ें, मतलब कि आपकी बायोलॉजी और आपकी एक इंग्लिश, ये 2 चीज़ें हो जाएंगी तो आपको ये यूनिवर्सिटी ले लेगी। तो मतलब वही 750 के अंदर आपकी फीस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपकी बहारा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट कौन सी है? बहारा यूनिवर्सिटी। बहारा यूनिवर्सिटी में BPT है और सिर्फ बायोलॉजी, एक सब्जेक्ट चाहिए बायोलॉजी, और 750 आपकी फीस जाएगी और खत्म, ठीक है। देखो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप 3 भी मतलब नॉर्मल 3 सब्जेक्ट भी पढ़ते हो तो भी आप प्राइवेट की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो क्या जरूरत है 1500 रुपये देने की, है ना, हम 750 देके बस अपना 3 सब्जेक्ट भरते हैं और हम अपनी यूनिवर्सिटी देख लेते हैं उसी के अंडर कौन कौन सी आती है। जैसे आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भरा तो आपने बायोलॉजी तो भरा ही है ना, सो उस बेसिस पे आप ये बहारा यूनिवर्सिटी भी डाल सकते हो। ये है, जरूरी नहीं है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 चीज़ पे सिर्फ आप गुरु गोविंद ही भरो, ठीक है। आप ये बहारा यूनिवर्सिटी भर सकते हो क्योंकि इसमें बायोलॉजी मांगा और आप बायोलॉजी का टेस्ट दे रहे हो, ये है,
ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते, आगे ही बात करते करियर पॉइंट की, ठीक है। करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है, इसमें आपका क्या क्या मांगा गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आपका जर्नल टेस्ट, ठीक है। क्या मांगा गया है, जर्नल टेस्ट। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एक यूनिवर्सिटी में जर्नल टेस्ट मांगा है और इसमें भी जर्नल टेस्ट है, ठीक है। आपके करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में जर्नल टेस्ट है तो आप सिर्फ जर्नल टेस्ट के बेसिस पे इसका नाम भर दो, नहीं, इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी भरना होगा, ठीक है। समझ रहे हो, जैसे अभी एक यूनिवर्सिटी थी आपकी एपेक्स यूनिवर्सिटी, एपेक्स यूनिवर्सिटी में सिर्फ जर्नल टेस्ट है, तो आप सोचो कि चलो मैं जर्नल टेस्ट भर देता हूँ और मैं ये वाली एपेक्स यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपकी करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी भी डाल दूँ, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपकी गलगोटिया यूनिवर्सिटी। पहले क्या था, गलगोटिया प्राइवेट मतलब डायरेक्ट एडमिशन ले रही थी, है ना। पिछले साल तक मैंने यही बताया है बच्चों को कि आप गलगोटिया में एडमिशन ले सकते हो, प्राइवेट आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, बट इस बार चीज़ें चेंज हो गई हैं, अभी आपकी सीयूईटी में आ गई है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश बायोलॉजी, चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्राइवेट गलगोटिया से करना है तो ये चार, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, ये चार आपको सब्जेक्ट्स फिल करने पड़ेंगे और इनका एग्जाम देना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्या है, उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी, और ये बीपीटी कराती है कि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इन तीन चीज़ों मतलब आपको टेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपकी सुरेश गुर्जर, क्या लिखा है भाई मैंने, सुरेश ज्ञान यूनिवर्सिटी, है ना। कभी कभी ऐसा ही होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि अपनी राइटिंग लिखो और समझ में नहीं आती है, क्योंकि फेयर तो लिखना नहीं है, बस ऐसे ही रफ लिख लिया कि जस्ट नॉर्मल आप लोगों को बता दूं, नहीं समझ में आया था, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्या है आपका, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी, और जो कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपका पीपीटी में एडमिशन ले लेगी, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी आपकी, सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, ठीक है, ये चार सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश, लिखते जाना साथ के साथ, फिर बोल रही हूँ, लिखोगे तो फॉर्म फिल करने में आसानी होगी कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब्जेक्ट्स हैं, तो हमें सिर्फ यही फिल करना है, ओके। नेक्स्ट है आपकी शारदा यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी पहले अपना टेस्ट कंडक्ट कराती थी, अब ये सीयूईटी के अंदर आ गई है, तो इसमें आपका क्या है, सेम इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका संस्कृति यूनिवर्सिटी, संस्कृति यूनिवर्सिटी बीपीटी कराती है और जिसमें आपके सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीन सब्जेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, पहले नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन था, बट अभी आपको यहाँ पे बीपीटी के लिए आपको तीन सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ओके। अब आप आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपकी मोदी यूनिवर्सिटी, मोदी यूनिवर्सिटी में भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीन सब्जेक्ट्स आपको फिल करनी पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका हिमालयन यूनिवर्सिटी, हिमालयन यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ बायोलॉजी और इंग्लिश, यस, दो ही सब्जेक्ट फिल करने, बायोलॉजी और इंग्लिश, और आपको हिमालयन यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपकी जी डी गोइनका, जी डी गोइनका में आपको क्या क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीन सब्जेक्ट्स चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ बता दी हैं, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी बीपीटी कराती हैं और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो सी ईटी में फिल करने हैं, जिनका एग्जाम देना है, और देन इस यूनिवर्सिटी के लिए आपको अप्लाई करना है। सो आई नो कि ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो जा रहा है, बट मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश कर रही हूँ। तो टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज हो गई, मैं एक मिनट काउंट करके बताती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सो 46 में से 20 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं प्राइवेट जो आपका बीपीटी करा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, और एक आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी और एक आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म कैसे फिल करना है, यस, फॉर्म कैसे फिल करना है, तो उसमें मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, डिटेल्ड वीडियो कि फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना। अगर आप लोग अपना फॉर्म सिजवेम से फिल कराना चाहते हो तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि आप हमारा फॉर्म भर दीजिए, जो भी चार्जेस होंगे वहाँ पे आपको पता लग जाएंगे। यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं 110% बच्चों का रिप्लाई करती हूँ। बस एक चीज़ ही, हाई हाई करके मैसेज करना बंद कर देना, ठीक है। अपनी जो प्रॉब्लम है उसको लिखो तो ही आपको रिप्लाई मिलेगा, अगर हाई करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं दूंगी, ठीक है। हाई हाई का मैसेज मत भेजा करो, बहुत ही लगता है। अपनी क्वेश्चन का मतलब, सो अपनी प्रॉब्लम है, आपको अपना क्वेश्चन लिख के देना है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप इसका सलूशन बताइए, ठीक है। अगर हो सके तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे कम फॉलोअर्स है, थोड़े फॉलोअर्स बढ़वा दीजिए, कृपा हो जाएगी आप लोगों की, है ना। एडवांस में थैंक यू जरूर मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, ठीक है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अभी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होने वाली है वो फॉर्म फिल के ऊपर होगी। सो स्टे ट्यून्ड विद फिजियो एम, तब तक के लिए क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, पढ़ते रहिए, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।